संजू सैमसन भारत और न्यूजीलैंड सीरीज में वो नाम जो सिर्फ एक मुकाबला खेलकर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा छाए रहे। संजू को सीरीज के 6 मुकाबलों में सिर्फ एक में मौका मिला। इस पर टीम इंडिया के कप्तान शिखर धवन ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। धवन ही नहीं, विरोधी टीम के कप्तान केन विलियमसन ने भी इस पर बात की है। धवन ने कहा कि ऋषभ पंत ने इंग्लैंड में शतक बनाया है, ऐसे में उन्हें बैट करना बनता था। धवन ने कहा, मुश्किल कुछ नहीं है, जैसे ऋषभ हैं उसने इंग्लैंड में वनडे खेला है, वहां पर उसका 100 था, ऐसे में उसके बाद जिस प्लेयर ने 100 बनाया है उसे बैक किया जाता है। हर एक चीज उसका बड़ा पहलू देखकर की जाती है। अगर कोई भी मैच विनर प्लेयर है तो उसे बैक करना ही है, क्योंकि बहुत सारी चीजों का आंकलन करने के बाद ही फैसले लिए जाते हैं। धवन ने आगे संजू सैमसन की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, हाँ संजू सैमसन बड़ा अच्छा कर रहा है, वो अपनी जगह है, उसको जितने मौके मिले हैं उसने अच्छा किया है, लेकिन कई बार अच्छा करने के बाद भी आपको इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि पहले वाले प्लेयर ने काफी अच्छा किया होता है और उसकी जो स्किल है हमें पता है वो मैच विनर है। ऐसे में उस खिलाड़ी को उस वक्त सहारे की जरूरत होती है, जो अच्छा नहीं करता तो उस प्लेयर को वो सहारा दिया जाता है। धवन के अलावा केन विलियमसन ने भी भारतीय टीम की तारीफ की। विलियमसन ने कहा, भारतीय टीम बहुत प्रतिभावान है, ऐसे में मुझे लगता है कि कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों में से कुछ खिलाड़ियों को चुनना सबसे मुश्किल फैसला होता है। कई बार ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप ये जानते हैं कि आप जिस किसी को भी टीम में चुनेंगे वो सुपर टैलेंटेड होगा, ये मैंने भारतीय खिलाड़ियों के साथ खेलकर जाना है। संजू सैमसन के फैंस न्यूजीलैंड सीरीज में उन्हें पूरे मौके नहीं मिलने से निराश हैं। निराशा की एक वजह ये भी है कि उन्हें बांग्लादेश दौरे पर भी टीम में शामिल नहीं किया गया है। अब देखना होगा संजू किस तरह से भारतीय टीम में वापसी कर पाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है विपिन ने, इस वीडियो को शूट किया है जतिन ने, और मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।